हे गाइस, डॉक्टर देवेंद्र राठौरिया, वेलकम टू मॉडर्न हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। बात कर रहे हैं आज एक और हेयर लॉस टॉपिक के बारे में, वुमेन में हेयर लॉस। और स्पेशली रिसेंटली मैंने काफ़ी सारे केसेस ऐसे देखे हैं कि दे आर टेकिंग द बर्थ कंट्रोल पिल्स। ठीक है, बर्थ कंट्रोल पिल्स होती है एक तरह से देखा जाए तो, ओव्यूलेशन को सप्रेस करती है और इस कारण से आपका जो बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये नेचुरल बर्थ कंट्रोल नहीं होता है। अब मतलब जो भी बर्थ कंट्रोल पिल्स जो लेते हैं उनमें एक तरह से हेयर लॉस और हेयर लॉस वाली कंडीशन या फीमेल पैटर्न हेयर लॉस देखा जाए, देखने को हमें मिलता है। ठीक है, तो क्या करती है बर्थ कंट्रोल पिल्स? सप्रेस करती है ओवेरीज को, जिससे ओव्यूलेशन नहीं होता है, और ओव्यूलेशन नहीं होता है उस कारण से काफ़ी सारे हार्मोनल चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। और पर्टिकुलर अगर देखें, अगर ओवरीज को सप्रेस कर रही है तो कहीं ना कहीं मेल हार्मोन डीएसटी हार्मोन की रिएक्टिविटी बढ़ती है पर्टिकुलर वुमेंस में, और उनको हेयर लॉस ट्रिगर होता है। तो क्या करें जिनको हेयर लॉस की परेशानी है या फिर बर्थ कंट्रोल पिल्स है उससे कोई प्रॉब्लम है? तो सबसे पहली चीज़, बर्थ कंट्रोल पिल्स अगर आप ले रहे हो तो एक मैक्सिमम गायनेकोलॉजिस्ट यही सजेस्ट करती हैं कि वो 2 साल से ज़्यादा आपको अपनी टेंडरों में नहीं लेना चाहिए, पहली चीज़। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको कॉन्ट्रासेप्शन है तो कॉन्ट्रासेप्शन के अदर तरीके होते हैं। ठीक है, बहुत सारे मतलब अगर देखें तो बहुत तरह तरह के मेथड्स होते हैं कॉन्ट्रासेप्शन के, आप सर्च कर सकते हैं, आप गायनेकोलॉजिस्ट से पूछ सकते हो और जो भी रहते हैं पर्टिकुलर, बेशक जो भी हमें सेफेस्ट मेथड होता है वो हमें यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो मेन चीज़ यही रहती है कि अगर आप बर्थ कंट्रोल पिल्स रेगुलरली लंबे समय तक अगर आप ले रहे हैं तो आपको हेयर लॉस और हेयर जो रहती है थिनिंगनेस और आपका स्कैल्प दिखना, ये वाली कंप्लेंट्स हमें देखने को पर्टिकुलर मिल सकती है, क्योंकि हार्मोनल डिस्टर्बेंस और हार्मोनल रिलेटेड हेयर लॉस उस वाली कंडीशन में ट्रिगर होता है और डीएसटी की क्रियाशीलता बढ़ती है जिस कारण से आपको हेयर लॉस बढ़ेगा। इसके और विषय में जानकारी, डीएसटी क्या होता है, इसके लिए आप फीमेल पैटर्न हेयर लॉस या पीसीओएस रिलेटेड हेयर लॉस वाले वीडियोज आप देख सकते हैं, उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो बेझिझक अगर आपको कोई भी क्वेश्चन और रिलेटेड टू दैट आप जरूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट थिंग, अगर आप बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रहे हो तो तुरंत, और अगर आपको हेयर लॉस हो रहा है, गुच्छे के गुच्छे बाल निकल रहे हैं या फिर स्कैल्प में आपको गंजापन या फिर थोड़ी सी ऐसी चीज दिख रही है, तो यू शुड कंसल्ट विद योर डॉक्टर। ठीक है, तो डॉक्टर विल अंडरस्टैंड योर कंसर्न एंड अकॉर्डिंग टू दैट ही विल और शी विल गाइड यू। ओके, तो मेन चीज यही है, आप उस सब चीजों को छोड़ दें और भी नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन होते हैं उनको यूज करें, ताकि आपको शारीरिक तौर पर जो समस्या होती है, एक ही मतलब साइड इफेक्ट्स नहीं होते, लॉन्ग टर्म के काफ़ी सारे साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं बर्थ कंट्रोल पिल्स के। तो होप सो आपको जरूर ये वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। जो रेगुलर बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रहे हैं उनसे जरूर शेयर करें, ताकि उन लोगों को पता पड़े कि बर्थ कंट्रोल पिल्स लंबे समय तक लेना हानिकारक हो सकता है। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद, जय भारत।